ये सदना कसाई की मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, हम इसको आपको पूरा घूमकर दिखाएंगे कि इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, इसमें जो डिज़ाइंस हैं वो किस तरह के हैं और इसमें किन किन मटेरियल्स का उपयोग किया गया है। पंजाब का सरहिंद शहर दोस्तों एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, इतिहास के बहुत सारे पन्ने यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। आज हम जिस जगह पे हैं उस जगह के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, राकेश सनसनवाल मैं एकता इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आपको आज हम जिस जगह पर लेकर आए हैं वो है एक मस्जिद, साधना कसाई की मस्जिद। साधना कसाई का नाम शायद आपने सुना हो, वो यहाँ पर मीट और मांस बेचा करता था। एक बार चलते चलते कहते हैं कि एक पत्थर से उसका पैर टकराया, उसको ठोकर लगी तो उसने उस पत्थर को उठा लिया। वो पत्थर देखने में बड़ा खूबसूरत और गोल पत्थर था। वो उसको लेकर अपनी दुकान पर आ गया और उसने उसको बट्टे के तौर पर मांस तोलने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों चाहे किसी भी प्रकार का ग्राहक हो, चाहे 2 किलो मांस तोलना हो या 5 किलो तोलना हो या 10 किलो तोलना हो, उसी एक बट्टे से वो तोलने लगा और वो बिल्कुल सटीक तोल होता था। लोगों को ये बात बड़ी अचंभित करने वाली लगी। धीरे धीरे ये बात आसपास के पूरे एरिया में फैल गई। उसके बाद एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक साधु गुजरे, उनकी नज़र जब उस बट्टे पर पड़ी तो उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये एक साधारण पत्थर नहीं बल्कि शालिग्राम है। और साधु ने उससे कहा कि तुम जिस बट्टे से मांस तोलते हो वो भगवान शालिग्राम है। साधना कसाई को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो भगवान का एक तरह से भक्त था और वो दिन रात भगवान का नाम जपा करता था। वैसे तो वो मुस्लिम था लेकिन उसकी आस्था भगवान में थी। उस पत्थर को वो साधु महात्मा उससे मांग कर ले गए, उसने उनको दे दिया। तो उन्होंने उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करके और गंगा जल से धोकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। एक दिन रात को भगवान शालिग्राम ने उस साधु को स्वप्न में कहा कि आप मुझे यहाँ लेके आए हैं लेकिन यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा है। साधना कसाई मेरा भक्त था और उसके हाथों में आकर मैं बहुत आनंद पाता था। वो बहुत प्यार से मुझे रखता था और बहुत प्यार से मुझसे मांस तोलता था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वापस उसके पास छोड़ आओ। साधु महात्मा उसको लेकर के वापस अगले दिन सदना के पास गए तो सदना ने उसको लेने से इनकार ये कहते हुए किया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने भगवान शालिग्राम को साधारण बाट समझकर उससे मांस तोलना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इसको बेहतर रख सकते हैं तो आप इसको रखिए। लेकिन साधु महात्मा ने आग्रह करके उसको वो शालिग्राम वापस कर दिया। दोस्तों उसके बाद साधना कसाई के मन में ऐसी भक्ति जगी कि वो पुरी के मंदिर में जाकर वहाँ दर्शन करने का इच्छुक हुआ। उसके बाद उसने अपना घर छोड़ा और वो पुरी के लिए चल पड़ा। दोस्तों एक दिन रात को चलते चलते उसने एक गांव में शरण ली एक गृहस्थ के यहाँ पर। कहते हैं कि रात को वो जो स्त्री थी उसकी नज़र ख़राब हुई और उसने उससे आग्रह किया कि वो उसके साथ रहे, लेकिन साधना कसाई ने मना कर दिया। उसके बाद उस औरत ने समझा कि शायद मेरा पति है इसलिए इससे डरकर ये मना कर रहा। उस औरत ने तलवार लेकर अपने पति की हत्या कर दी, उसका गला काट दिया। दोस्तों ये देखकर साधना कसाई को बहुत व्यथा हुई, बहुत दुखी हुआ वो। उसके बाद भी जब वो नहीं माना तो उस औरत ने शोर मचा दिया कि ये मेरा बलात्कार करना चाहता था, मैंने मना किया, इसने मेरे पति की हत्या कर दी। सुबह पुलिस ने उसको पकड़ा, कोतवाल उसको ले गया और उसको सजा दी गई, उसके दोनों हाथों को काट दिया गया। दोस्तों उसके बाद वो अपने हाथ कटने के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचा और वहां उसने भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में अपना माथा टेका और उसके बाद जैसे ही हाथ जोड़ने के लिए उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया तो उसके दोनों हाथ वापस सही सलामत हो गए। दोस्तों उसके बाद जीवन पर्यंत साधना कसाई भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पुरी में ही रहा। आज इस मस्जिद में हम आए हैं, आप देखिए, आपको दिखाते हैं, ये देखिए। दोस्तों ये जो पत्थर इसमें लगा हुआ है ये कांकरी पत्थर है। ये पत्थर ऐसा पत्थर होता है कि जिसका फॉर्मेशन पूरा नहीं होता, ये अधूरा पत्थर बना हुआ होता है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें ये छेद होते हैं इस पत्थर में और एक तरह से कंकर जैसा ये लगता है। इस पत्थर को आप देखेंगे मुगलों से पहले जो कंस्ट्रक्शन भारत में पाया जाता है, पुराना जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसमें
कई चीज़ों में ये देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सरहिंदी ईंटें छोटे वाली, और ये कंस्ट्रक्शन बना हुआ है पूरा। आइए, यहाँ पर ये एक गेट जैसा एक रास्ता दिया गया है, जिससे अंदर आने के बाद आप देखेंगे दो बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। और ये देखिए ऊपर पूरा ऊंचा डोम है, चारों तरफ रोशनी आने के लिए रास्ता बनाया गया है, और उसके नीचे आप देख रहे हैं डिज़ाइंस बनाए गए हैं। दोस्तों ये डिज़ाइंस जो हैं, ये देखिए ईंटों से डिज़ाइन बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा छोटी ईंटों का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं, ये आप देखिए नीचे की दीवार का कंस्ट्रक्शन छोटी ईंट से किया गया है, लेकिन जो ऊपर आप देख रहे हैं वो दोबारा फिर कांकरी पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसमें पूरा का पूरा ये ऊपर का जो हिस्सा है ये कांकरी पत्थर का प्रयोग किया गया है, और ये जो देख रहे हैं ये बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि ये दीवार जो यहाँ पे होती थी उसको नुकसान पहुँचा, और ये जो बना हुआ है पूरा जो डोम, इसके बीच में से जो लंबा ये गेट था इसको सपोर्ट देने के लिए ये दीवार बनाई गई है। दोस्तों ये जो दालान है, बड़ा दालान, जैसे ही मस्जिद में हम प्रवेश करते हैं तो ये दालान यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा दालान, इसमें चारों तरफ ऊपर पत्थर का और बीच बीच में ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। ये काफ़ी बड़ा दालान है, नीचे ये आप फर्श देख रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये डिज़ाइन बनाया गया है, और ऐसा ही डिज़ाइन इसके सामने है, और एक ये बिल्कुल सामने प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं बनाया गया है। ये जो दालान है ये शायद उस ज़माने में नमाज पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता होगा, और जैसे उस तरफ बनाई गई है जो आपने देखा होगा दो बड़े बड़े डोम, इस तरफ ऐसा नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है इसको आगे जा कर के बंद कर दिया गया है, और इसको एक छोटे से कमरे का रूप दिया गया है। ये देखिए इसको बंद कर दिया गया है, शायद बाद में बंद किया गया है, तो इसके पीछे का जो कंस्ट्रक्शन होगा या तो फिर वो डिमोलिश हो गया या फिर मतलब अभी वो मौजूद है नहीं। तो इस तरह से ये देख रहे हैं, सामने देखिए वो मस्जिद का ऊपर का जो गुंबद है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर पत्थर को काट कर डिज़ाइंस बनाए गए हैं, और ये जो गोल आकार के जो डिज़ाइंस हैं इसमें नीचे आप देख रहे होंगे ये पत्थर को काट कर बहुत सुंदर डिज़ाइन दोनों तरफ बने हुए हैं। रास्ता आप देख रहे हैं तो यहाँ से ऊपर जाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये गैलरी पूरी बीचों बीच उस तरफ जो गैलरी है उसको और इसको कनेक्ट करने के लिए ये गैलरी बनाई गई है, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है छत कह सकते हैं वो गोल आकार में बनाई गई है, और ये यहाँ पर एक बार फिर एक खिड़की जो हवा और रोशनी आने के लिए बनाई गई है, और ये पूरा सीधा चलते हुए ये देखिए यहाँ पर ये एक रास्ता हवा के लिए, इस तरफ एक गैलरी है पूरी, और यहाँ देखिए यहाँ भी पूरी एक गैलरी बनाई गई है जो आगे जा कर के झाड़ झंखाड़ उगाए हैं ऊपर छत के ऊपर ही। ये छत के ऊपर का हिस्सा है जिसमें आप देख रहे हैं सामने झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं, झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे, तो ये आगे बंद है। ये देख रहे हैं आप दो गुंबद ऊपर सामने, और ये जो दालान का हिस्सा था, ये दालान का हिस्सा ऊपर से शायद इसकी छत नहीं थी, खुला था, अगर छत थी तो वो डैमेज हो गई है दोस्तों। और ये पूरा का पूरा ये देखिए ये रास्ता यहाँ से बनाया गया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये अंदर जो रोशनी और हवा जाने के लिए बनाया गया था। सामने वो आप देख रहे हैं गुंबद, उसको दिखाइए वो गुंबद ऊपर, और ये जो है ये पूरा पानी ऊपर का जो छत का जो पानी है वो यहाँ से जाता है, ये रास्ता देख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा बीच में जो पूरा गोल आकार और दोनों तरफ
दो गुंबद, इस तरफ दो गुंबद, कुल मिलाकर चार ये गुंबद ऊपर बने हुए हैं।